speed. सर्वेश अंबेडकर जी, कोई बात नहीं, ये जीत का ऐलान है। मुझे तो ये लग रहा है इस बार कि फरक्काबाद के लोगों ने ऐसा मन बनाया है कि सभी रिकॉर्ड इस बार तोड़ देगा फरक्काबाद। मैं जितना मैदान देख रहा हूं भरा हुआ, जो पंडाल है वो तो भरा ही है, लेकिन आज दाईं तरफ मंच के पीछे इधर सड़क पर, पेड़ पर, घरों पर, छतों पर और दूर दूर तक देखे वो पानी पी रहे गर्मी में अंगोछा लगा के सफेद, और दीवार आखिरी तक इधर बाएं छत सब भरी पड़ी दिखाई दे रही है, बाईं तरफ बाएं पेड़ नीम के पेड़ तक पर हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये जीत ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। मैं इस गर्मी में जहां एकदम दोपहरी से आप खड़े हैं, जो छाया में है वो भी गर्मी और इस तरह की लपट में खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे बहादुर समाजवादी साथी खुले आसमान के नीचे बिना धूप की परवाह किए जो खड़े हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे याद है मैंने जब इस लोकसभा में अलीगंज में पहला कार्यक्रम किया था और उस समय जो जन समर्थन दिखाई दिया था, और आज इतने दिनों बाद जब मैं आपके बीच में चुनाव होने से पहले और केवल वोट डालने में कुछ दिन बाकी हैं, ये जोश और उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ है। ये जो उत्साह और पार्टी के प्रति जो आपने मन बनाया है, मैं तो अभी कल वोट डाला हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चौथे चरण के चुनाव में आप सब लोग एक एक वोट डॉक्टर नवल किशोर साग जी को दे करके इनको ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करेंगे। मैं सोचता हूं कहां से बात शुरू करूं। ये हमारे नौजवान जो दिखाई दे रहे हैं, इस बार इन्होंने ठान लिया है और मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचेगी नहीं, ये सब मिलकर के इस सरकार के खिलाफ वोट डाल करके पलटने का काम करेंगे सरकार को। ये जो 10 साल से इनके सांसद और सरकार है, इस सरकार ने 10 साल में हमारे गरीब और किसानों को धोखा देने का काम किया और भेदभाव हुआ कि जो गंगा एक्सप्रेसवे आपके होकर के निकलना था वो बगल के जिले वाले ले गए, मोड़ ले गए, वो बगल के जिले के लोग मोड़ ले गए, और वो आपने सदन में भी सुना होगा क्या फरक्काबाद वाले खाए गन्ना और हाईवे ले गए। लेकिन हम अपने फरक्काबाद वालों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो जो रोड आपसे दूर छूट गई, गंगा एक्सप्रेसवे और आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे,
हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि फरक्काबाद वालों को भी सिक्स लेन से गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करेंगे। न केवल उससे जुड़वाएंगे बल्कि फरक्काबाद के हमारे जागरूक लोग जानते होंगे, ये जो ग्वालियर से इटावा होकर के फतेहगढ़ होकर के बरेली तक जाती थी, ये लिपू लेक वाली सड़क जो चीन की सीमा तक पहुंचती है, इसको भी सिक्स लेन बनाने का काम और उसकी मांग की थी हम लोगों ने, लेकिन इन्होंने छोटी कर दी। भविष्य में सरकार बनेगी तो इस सड़क को भी चौड़ा कर करके आपको ग्वालियर इटावा से और इधर बरेली से जोड़ने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करिए, इस चुनाव में मदद करोगे सब लोग, ये मान लें कि फरक्काबाद हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। वोटिंग वाले दिन घबराओगे तो नहीं, वोटिंग वाले दिन अगर बीजेपी वाले गड़बड़ करें तो बहादुरी के साथ मुकाबला करोगे कि नहीं? मुकाबला करोगे? आप लोग जानते होंगे जो हारने वाले हैं लोग वो खिसिया जाते हैं। बताओ बीजेपी वाले खिसिया गए कि नहीं खिसिया गए? अभी तक जहां जहां वोट पड़ा है बीजेपी वाले बहुत पीछे छूट गए हैं, बहुत पीछे छूट गए। और जब जनता में हारने लगे, जब जनता में हारने लगे तो प्रशासन को आगे कर करके लोगों को डरा रहे, धमका रहे हैं। और हमने तो ये सुना है कि यहां के मुख्यमंत्री जी से किसी ने बिजली मांग ली, हमने सुना है कि यहां पर किसी एक हमारे गांव वाले साथी ने बिजली की मांग कर ली मुख्यमंत्री जी से, वो नाराज हो गए, उन्होंने धमकी दे डाली, मुकदमा दिखाने की तैयारी कर रहे प्रशासन के लोग। और हम तो जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री इतने कमाल के हैं कि अभी तक वो बिजली के कारखाने का नाम नहीं ले पा रहे हैं। हमने तो कई बार पूछा उनसे कि भाई एटा में जो हम लोगों ने बिजली का कारखाने बनवाया है जिसका 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, आज तक मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कह पाए। बताओ उनके मुंह से कभी सुना हो तो बता दो। और बिजली महंगी कर दी कि नहीं कर दी आपकी? ये जो बिजली का बिल आता है तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? समाजवादी लोग तो 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे थे, लेकिन इन बीजेपी वालों ने मीटर लगवा दिए घरों में और मीटर ऐसे लगवाए जो तेज भाग रहे हैं, बिल ज्यादा दिलवा रहे हैं और बिजली भी नहीं आ रही है। इसलिए मदद करोगे आप सब लोग, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये फरक्काबाद वो है जिसने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जिता करके लोकसभा में भेजा था। ये समाजवादियों की कर्म भूमि रही है जहां आप लोग फरक्काबाद डॉक्टर नवल किशोर जी को जिता रहे हो, वहीं पड़ोस में हमारी भी मदद कर देना। ये जो कन्नौज आपके ही जिले से निकल के गया है, बताओ कन्नौज आपके जिले से ही निकल के तो गया है, तो जहां डॉक्टर नवल किशोर जी की मदद कर रहे हैं तो हमारी भी मदद करोगे? अब ऐसा ना हो कि डॉक्टर नवल किशोर जी को ज्यादा वोट से जिता दो और हम पीछे रह जाएं, ऐसा तो नहीं है? और ये जो 10 साल से सांसद है, इन्हें क्या दिया है आपको बताओ? ये बड़ी बड़ी होर्डिंग हो सकता है फरक्काबाद में भी लग गई हो,
ये जो डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई होंगी। कई होर्डिंग में इनका एक इंजन गायब है। बताओ, होर्डिंग में इंजन गायब है कि नहीं है? और ये जो खटारा इंजन है, इसके लिए तो जगह भी नहीं है उसमें। बताओ, कहीं होर्डिंग में इस खटारा इंजन की है तस्वीर कहीं? तो जब उन्होंने पहले से ही गायब कर दिया उन्हें, तो बताओ आप गायब करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, इस सांसद को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसीलिए अभी हमें दिल्ली से गाना मिला है ऐसे सांसदों के खिलाफ। बताओ आप भी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? तो हम अपने इनसे कहेंगे, भाई दिल्ली वाला गाना इनको भी सुनवाइए, जरा सुनवाइए इनको, और मदद करना डॉक्टर नवल किशोर जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।